मैच है ना लिब्रॉक्स टीम्स। तो अभी एक मैच होने वाला है प्रीमियर लीग का, वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी के बीच 2 घंटे 12 मिनट के बाद। गाइस तो बात करूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। दूसरी बात ये कि यही मेरा टेलीग्राम चैनल है, बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल्स फ्रॉम माई नेम ओनली एंड ओनली, दिस इज़ माई ओरिजिनल चैनल। सो प्लीज़ किसी अनदर फेक चैनल में मत जुड़ जाना मेरे नाम के, यही मेरा चैनल है जिसका लिंक मैंने नीचे डाला हुआ है। तो चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की। भाई चेल्सी टीम वेस्ट हैम यूनाइटेड से भिड़ेगी, दोनों टीम टॉप 5 में है इस सीजन प्रीमियर लीग के। चलो मेरे लिए चेल्सी के लिए नया नहीं है, लेकिन वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। यूनाइटेड 4th रैंकिंग में है भाई, ओवरऑल इन्होंने 16 टीम्स को पिछाड़ रखा है और चेल्सी ने 20 की 20 टीमों को पिछाड़ रखा है। मतलब इसको काट दो, खुद की टीम काट दो, मतलब 19 टीम्स को पिछाड़ के आ रही है। तो ये देखा जाए तो चेल्सी टीम इस बार सीजन में टॉप कर रही है। आगे से बात करूं गोलकीपर की, यहां से लूंगा लुकास फैबियनेस्की को। यहां पे लुकास फैबियनेस्की ही बनता है क्योंकि वेस्ट हैम यूनाइटेड का अगर आप गोलकीपर लेते हो तो आपके पास एक चांस रहेगा पेनल्टी सेफ का, क्योंकि आई नो कि आप लोग पेनल्टी टेकर को ज्यादा नहीं लेने वाले, आई नो। आगे से बात करूं रूडीगर की, देन यहां पे लूंगा रूडीगर को। देखो रूडीगर को खिलवाना ना खिलवाना एक नॉर्मल बात है, आप लोग इतना मत करा करो क्योंकि वो डिफेंडर है। अगर इसी की जगह जैसे कि इस प्लेयर को ले लो, बी चिलवेल, अब ये नहीं खेल रहा, मेरी नज़र में ये बहुत गलत चीज़ है। बी चिलवेल अपनी पूरी फॉर्म में है और बी चिलवेल मिडफील्डिंग के साथ साथ स्ट्राइकिंग भी करना जानता है, प्लस डिफेंडर भी है। तो मतलब एक तरह जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, वैसी फुटबॉल का ये ऑलराउंडर है। मतलब देखा जाए तो रीस जेम्स को पिछले मैच में चांस नहीं दिया, ये भी मिडफील्डिंग करेगा तो रीस जेम्स को ट्राई कर सकते हो। एस बी लूटा पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया 69 मिनट्स में, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड एलोंसो की बात करूँ, एलोंसो मिडफील्डिंग में था बट इसमें ये आपको बेनिफिट मिलता अगर क्लीन शीट लगती, अगर मान लो वेटफोर्ड इनको एक भी गोल ना करती तो चेल्सी टीम के पास एक अपॉर्चुनिटी रहती, 5 के 5 डिफेंडर्स को 20 पॉइंट मिल देगी। एंड आगे से बात करूँ एंड्रियस को, एंड्रियस क्रिस्टेंसन को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। पिछले मैच के अंदर उतना खास परफॉर्म किया नहीं जो मैंने सोचा था, क्योंकि टी चेलोबा ने पिछले मैच में एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, वो ये है कि ये सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी हुआ 60 मिनट्स में। आई डोंट नो वाई, क्योंकि मेरे को इंजरी रिपोर्ट कोई नहीं आई इस प्लेयर की। एंड आगे से बात करूँ माउंट की, यहाँ पे लूँगा माउंट को। माउंट अपनी वही वाली फॉर्म में वापस आ रहा है जितना ये पिछले साल में था, एक यंग मतलब प्रॉपर ऐसा ये प्लेयर है, एक तो यंग है, ऊपर से इतना इसके अंदर चीज़ें हैं, इतनी स्किल्स हैं, इतना टैलेंट है इस प्लेयर के अंदर और साथ ही साथ एक्सपीरियंस, ठीक है, ओवरऑल वो वापस ही आ रहे हैं। नेस बेन रहामा की बात करूँ, सैयद बेन रहामा को हम ड्रॉप नहीं कर सकते, कई लोग तो बेधड़क ड्रॉप कर देते हैं, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि एस बेन रहामा कोई बच्चा नहीं है गाइस, टॉप का प्लेयर है। एंड आगे से बात करूँ फॉरनल्स की, फॉरनल्स या डी राइस में से एक प्लेयर ले सकते हो इफ़ आई प्रेफर, तो अगर आप नेशनल टीम के हिसाब से देखोगे तो मैं कहता हूँ डी राइस का मुकाबला नहीं है, और डोमेस्टिक लीग में भी जैसे आज का मैच है, बट फॉरनल्स को अगर आप लेते हो तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि वो इस साल एक तगड़ी फॉर्म में है। तो आई एग्री कि आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है ना। आगे से बात करूँ हैवर्ट्स की, हैवर्ट्स को यहाँ पे लेना है क्योंकि हैवर्ट्स स्ट्राइकिंग है, सी पुलिसिक जो प्लेयर है इट्स नॉट ए स्ट्राइकर, ओके, इट्स ये एक मिडफील्डर रह चुका है, तो स्ट्राइकिंग अचानक देना एक गलत बात है, तो यहाँ पर मैं हैवर्ट्स के साथ हूँ। एंटोनियो की बात करूँ, एंटोनियो पेनल्टी टेकर है सो इसको भी ड्रॉप किया जा नहीं सकता, कई लोग ड्रॉप करेंगे अपना एक प्लेयर बचाने के लिए बट ये आपको शोभा नहीं देता इसको ड्रॉप करना। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है माउंट, वाइस कैप्टन है रीस जेम्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।